अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन जफर टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी बिल्ड्स में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सके। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए टॉप 5 ग्राफिक कार्ड्स लेके आया हूँ जो कि बेस्ट बजट ग्राफिक कार्ड हैं और आपको 15,000 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल ये सारे के सारे ग्राफिक कार्ड जो है हो जाएंगे। और आप इन ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करते हुए कोई भी गेमिंग पीसी जो है वो इजीली बिल्ड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो आप इन ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करते हुए हासिल कर सकते हैं। और ये तमाम ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे ऑनलाइन मार्केट में भी, ऑफलाइन मार्केट में। इसमें दोस्तों एक जो ग्राफिक कार्ड है उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन वो कंटिन्यू उसके अंदर देखने में आ रही है। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा कि ये कौन सा ग्राफिक कार्ड है। तो इसमें दोस्तों जो फर्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो AMD की तरफ से आता है और ये ग्राफिक कार्ड दोस्तों RX 470 है जो कि अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। अब हम दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट टेक्स 12.0 का वर्जन देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन इसकी 4096x2160 देखने को मिल जाएगी। मेमोरी इसकी आपको 4GB देखने को मिलेगी। मेमोरी स्पीड आपको 1650 MHz के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी बस आपको 256 बिट के करीब देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेमोरी टाइप आपको इसके अंदर GDDR5 भी देखने को मिलेगी और टोटल TDP इसकी आपको 120W देखने को मिलेगी और इसके साथ आपको मिनिमम जो है वो PSU 450W की चाहिए होगी। और ये जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों लॉकडाउन से पहले आपको ऑलमोस्ट 12,000 to 13,000 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाया करता था, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है और अब ये ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो ये आ जाता है AMD की तरफ से RX 560 जो कि अप्रैल 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब हम दोस्तों अगर इसकी स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट टेक्स का जो वर्जन है वो 12.0 देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन इसकी 5120x2880 देखने को मिलेगी। मेमोरी आपको 4GB की देखने को मिलेगी इसके अंदर। मेमोरी स्पीड जो है इसकी आपको 1750 MHz के करीब देखने को मिलेगी और उसके अलावा इसकी जो मेमोरी बस है वो 128 बिट के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी टाइप आपको इसके अंदर GDDR5 भी देखने को मिलेगी और टोटल TDP ये 80W के ऊपर दोस्तों ये काम करता है। और PSU आपको इसके लिए RX 560 के लिए आपको मिनिमम जो है 450W की चाहिए होगी। अब हम दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको लॉकडाउन के दौरान 14,000 to 15,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो ये जाता है दोस्तों AMD का रेडियन RX 570 ग्राफिक कार्ड जो काफ़ी पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है। दोस्तों अप्रैल 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसमें दोस्तों अगर हम इसकी स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको DirectX 12.0 का वर्जन देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको 4096x2160 देखने को मिलेगी और मेमोरी इसके अंदर आपको 4GB की देखने को मिलेगी। मेमोरी स्पीड आपको 1750 MHz के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी बस आपको 256 बिट के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी टाइप आपको इसके अंदर GDDR5 भी देखने को मिलेगी। TDP आपको इसकी 120W के करीब देखने को मिल सकती है और PSU आपको इसके लिए RX 570 के लिए 450W की चाहिए होगी। अब हम दोस्तों अगर इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें तो इसमें कंटिन्यू आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। पहले ये ग्राफिक कार्ड 13,000 to 14,000 के करीब अवेलेबल हो जाया करता था, लेकिन अब जो ग्राफिक कार्ड दोस्तों लॉकडाउन के दौरान इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी होगी और अब ये आपको ग्राफिक कार्ड जो है वो 15,000 रुपीज़ से लेकर 20,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये आपको ग्राफिक कार्ड है OLX पे या ऑफलाइन मार्केट में 15,000 रुपीज़ में अभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ी सी सर्च करने की ज़रूरत है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो ये आ जाता है दोस्तों NVIDIA की तरफ से GeForce GTX 1050। तो ये दोस्तों याद रहे कि ये दोस्तों जो ग्राफिक कार्ड है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ये NVIDIA का GeForce GTX 1050 है, 1050 Ti नहीं है, क्योंकि 1050 जो ग्राफिक कार्ड है वो 2GB RAM वाला वेरियंट है और जो 1050 Ti है वो 4GB RAM वाला वेरियंट है। तो इसमें दोस्तों हमने जो ग्राफिक कार्ड आज का सेलेक्ट किया है वो NVIDIA GeForce GTX 1050 है जो कि 2GB RAM वाला वेरिएंट है। अब हम दोस्तों अगर इसकी स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको DirectX 12.1 का वर्जन देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन इसकी आपको 7680x4320 के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी आपको 2GB की देखने को मिलेगी। मेमोरी स्पीड आपको इसके अंदर 1752 MHz के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी बस आपको 128 बिट के करीब देखने को मिलेगी। मेमोरी टाइप आपको GDDR5 भी देखने को मिलेगी और TDP आपको इसके अंदर 75W के करीब देखने को मिल सकती है।
और आपको इसके लिए मिनिमम जो पीएसयू है वो 300 वाट की चाहिए होगी। अब हम दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको लॉकडाउन सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट जो है 15,000 रुपीज के अंदर अवेलेबल इजिली मार्केट में हो जाएगा। पहले इसकी प्राइस जो है लॉकडाउन से पहले कम थी, तो ये आपको ऑलमोस्ट अब 12,000 to 13,000 के करीब मिल जाएगा था, लेकिन लॉकडाउन में इसकी प्राइस दोस्तों वो आपको 15,000 के करीब देखने को मिलेगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट ग्राफिक कार्ड की तरफ, जो कि आ जाता है एनवीडिया की तरफ से GeForce GTX 960। ये दोस्तों जनवरी 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब हम दोस्तों अगर इसकी स्पेक्स की बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो इसके अंदर आपको DirectX 12.1 का वर्जन देखने को मिल जाएगा। रेजोल्यूशन इसकी आपको 5120x3200 के करीब देखने को मिल जाएगी। मेमोरी इसकी भी आपको 2GB के करीब ही देखने को मिल जाएगी। मेमोरी स्पीड आपको इसके अंदर 1753 MHz के करीब देखने को मिल जाएगी। मेमोरी बस आपको 128 बिट के करीब देखने को मिल जाएगी। मेमोरी टाइप आपको इसके अंदर GDDR5 भी देखने को मिलेगी। टोटल TDP आपको इस ग्राफिक कार्ड की 120 वाट के करीब देखने को मिलेगी। और मिनिमम PSU आपको इस ग्राफिक कार्ड के लिए 960 के लिए 400 वाट की PSU लाजमी चाहिए होगी, और इससे इनका आपको कनेक्टर भी इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आज के हमारे टॉप 5 ग्राफिक कार्ड थे, जो कि आपको 15,000 रुपीज के बजट रेंज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं आपको दोस्तों दो ग्राफिक कार्ड, यहाँ पे तीन ग्राफिक कार्ड जो है वो रिकमेंड करूँगा। इसके अंदर आप RX 470 ग्राफिक कार्ड भी बाय कर सकते हैं, RX 570 ग्राफिक कार्ड भी बाय सकते हैं, और GTX 960 जो ग्राफिक कार्ड है वो भी बाय कर सकते हैं। इन तमाम ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस है आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे चैनल मोस्ट ओवर टीवी को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।